पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य पार्ट में कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड में भी कई तरह के हैं, जैसे टाइपिंग की हुआ, कंट्रोल की है, फंक्शन की है, नेविगेशन की है, न्यूमेरिक की है। और मॉनिटर का मतलब हुआ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन की तरह काम करता है, इट डिस्प्ले द रिजल्ट एंड मूवमेंट ऑफ द माउस, सब कुछ माउस कैसे कैसे मूव करता है ये सब हम इसी के ऊपर देख पाते हैं। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी, वीडियो भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन दैट वी यूज ए मॉनिटर इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम मॉनिटर पर देखते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर होता है, जैसे CRT होता है, LCD होता है और LED होता है। और आजकल जो हम लोग मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं वो LED है। इसके अंदर बेटर डिस्प्ले पावर होता है, थिनर एंड लाइटर इन वेट होता है, और LED मॉनिटर यूज 40% लेस पावर देन LCD। और ये CPU, उसके बाद CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर, जो भी दिया जाता है वो इस यही काम दिया जाता है। और इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। CPU का तीन हिस्सा हुआ, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो CPU में एक तार से जुड़ा होता है, और माउस कॉर्डलेस भी होता है। इसके दो बटन होते हैं, इट इज यूज टू पॉइंट द सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। वेन वी माउस मूव आवर हैंड पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन मूव। एंड वाट मेक्स ए कंप्यूटर पावरफुल, कंप्यूटर पावरफुल बना इसके पीछे क्या कारण है। कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर्टी होता है स्पीड का, रिलेबिलिटी का। कंप्यूटर स्पीड का मतलब कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू द लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली। सेकेंड थिंग इज द रिलेबिलिटी, कंप्यूटर इज क्वाइट रिलेबल दैट डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। थर्ड वन जी स्टोरेज, कंप्यूटर हैज द लार्ज स्टोरेज अमाउंट कैपेसिटी। एंड वर्साटाइल, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ द टास्क इट यूज टू ऑलमोस्ट ऑल दैट फील्ड। देयरफॉर एक्यूरेसी, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। मिस्टेक आर द नॉर्मल डन फ्रॉम द यूजर साइड। एंड डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड। मल्टी टास्किंग, कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम्स। एंड डिसएडवांटेज, कंप्यूटर का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि कंप्यूटर में IQ पावर नहीं होता है। कंप्यूटर डज नॉट हैव IQ इट्स ओन। बाय मिस्टेक इफ यू एंटर द करेक्ट इनपुट इट विल गिव द रॉन्ग आउटपुट। दूसरी बात हेल्थ, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग आवर कैन इफेक्ट योर आई साइड, इट कैन ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ द ओबेसिटी ऑफ द पीपल। एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट work for a long time without it and costly. One important thing is the GIGO, means garbage in garbage out. Iska matlab if you enter the wrong input computer will generate wrong output. Hum agar galat kaam isko denge to ye galat output ke roop mein humko dega. Ab rahi baat hai ki fill in the blanks. A computer works with the data and instructions. Second thing, a computer can store large amount of information. Third, a keyboard has 104 key, mouse. A mouse is used to point the select and move any object on the computer screen. And fifth one numeric pad. numeric pad consist number pad, arithmetic operator and the decimal point. And CPU does all the calculation and display the result on the monitor. A monitor is also called VDU. A monitor display all the works that we do on a computer. And navigation key are used to moving through the document. Now true false, computer has an IQ, false. Second, an output printed on the paper is known as soft copy, false. Third, a computer has four main part, true. Fifth, MU for memory utility, false. And CPU consists of AU and LU, false. A information that we see on the monitor is known as the soft copy, true. Function key is placed on the right side of the keyboard, false. Now, matching.
I gives out on a paper. Answer is printer. Whatever you type and draw can be seen on me. That is the monitor. I am a fear to cat. Sit on a mat. I have a long tail. Can sit, send an email. Mouse. I am a part of CPU and do arithmetical calculation. That is the ALU. And control all the activity on the computer. Control unit. Now, MCQ. First, data can be words, number, picture on the sound. Second, computer display output after processing the data. Third, navigation key are used for moving through the document. And fourth, the LED monitor consume least amount of power. And fifth, control key are either alone the combination with the other key. These are the MCQ. And this is the full form of this. Thank you. Next day I will solve all the questions of the chapter.